देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंगनी व हवाओं के साथ ठंड का कहर दरभंगा जिले में जारी है। धूप न होने के कारण घरों में लोग रहने पे मजबूर हो रहे हैं। अपने स्तर से तो कोई इधर उधर से इकट्ठा कर लकड़ियों में आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहा है। रहमगंज में स्थानीय लोग खुद को इधर उधर से लकड़ी लाकर ठंड से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं लालबाग करमगंज चौक में भी लोगों ने लकड़ी की व्यवस्था कर आग जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कितना मिला है? बस ये जो सामने आपका जल रहा है बस वही। कहाँ से मिला है? ये फिलहाल तो रैन बसेरा से मिला है। मांगना पड़ता है, दो चार लकड़ी करके देता है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ठंडी में गुजारा करना पड़ता है। और दूसरी बात, रैन में लकड़ी निकल कर रिक्शा पे लोड होके वो गया है इधर। कौन जगह है? भगवान दास मोहल्ला लालबाग जठियाई, वार्ड नंबर 20। क्या करेंगे, तो आगे जला के गर्मी पैदा कर रहे, आगे जला के बताइए। हम लोग जो है अपना आपस में खरीद करके लाके आग लगा रहे घर की, या दोस्त यार से, घर से मोहल्ले वाले से मांग के आग लगा रहे, नगर निगम से कोई सुविधा। जल जीवन हरियाली दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन हरियाली अभियान का क्रियान्वयन विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना से मंगलवार को इस कार्यक्रम के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे। वहीं जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का वेबकास्टिंग के माध्यम से दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार से दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित अन्य कई पदाधिकारी जुड़े रहे। वहीं जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के मौके पर वर्ष 2023 का पहला कार्यक्रम था। इस मौके पर दरभंगा समाहरणालय प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा मनीष कुमार ने अपने हाथों से पौधा लगाया। वहीं जिला अधिकारी राजीव रोशन ने भी पौधा लगाया। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के मौके पर हमने दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन से बात किया। सरकार के आज ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया है। राज्य स्तर पे और सभी जिला स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा जिले से सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्य रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अवधारणा है, राज्य सरकार की अवधारणा है कि जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियाँ हैं, जिसका सीधा सीधा मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उससे निपटने के लिए हमें जीवन जीने के तरीकों में बदलाव करना होगा, विकास को पर्यावरण अनुकूल बनाना होगा। और इसके लिए जो 11 बिंदु निर्धारित किए गए हैं जल जीवन हरियाली अभियान के, उन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा ज़िले में भी जितने हमारे जलाशय हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, आहर हैं, पइन हैं, उनके जीर्णोद्धार का सतत कार्य किया जा रहा है। चाहे हमारा कुआँ हो, चाहे चेक डैम बनाना हो, इन सारी चीज़ों पे भी वर्क हो रहा है। पर्यावरण अनुकूल कृषि पे, ऊर्जा की बचत पे, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तो दरभंगा ज़िले में तालाब के ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी बनाया गया है, जो अपने आप में अनुकरणीय है और ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे दिशा दिखाने वाला कदम है। तो ये जो प्रयास है बिहार सरकार का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को, जितने भी दरभंगा ज़िले के नागरिक हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में वो सम्मिलित हों, इस अभियान के मर्म को समझें, उसमें भागीदारी दें, लोगों को जागरूक करें, उससे जुड़ें, तभी हम अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे और आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य पर। माननीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल के द्वारा और जिला स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा, जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा पौधारोपण के साथ ये संदेश दिया गया है कि हमें वृक्षारोपण के गतिविधियों में हर लोगों को आगे भागीदारी करनी चाहिए। हम हरित आवरण जितना बढ़ाएंगे, हमारा जो एयर है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, जीवन जीने के लिए जो जरूरी ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, वो पर्यावरण में उपलब्ध होगा।
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर, हम आपके लिए लाए हैं वन गेट वन फ्री के साथ साथ 15% से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मास्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू ओरलिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगीज, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइज में एक 15% जबकि 2 get 1 free जॉन प्लेयर, 1 pay 20%, 2 pay 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 pay 30%, 2 pay 40% जबकि 3 pay 50% तक की छूट। डब्लू ओरलिया 1 pay 20%, 2 get 1 free, तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा तारा मंडल दरभंगा में बनकर तैयार हो गया है। बस अब तारा मंडल को अंतिम रूप देकर सजाने और सवारने का काम चल रहा। बताया जाता है कि दरभंगा में बने तारा मंडल को अमेरिका के न्यूयॉर्क से डिजाइन किया गया है, जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत बल्कि काफी आधुनिक भी है। अगर सब चीजें सामान्य रही तो नए वर्ष में दरभंगा वासियों को यह तोहफा मिल जाएगा और 12 जनवरी को खुद मुख्यमंत्री दरभंगा पहुंच इसका उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में पटना से कई अधिकारियों की टीम भी दरभंगा पहुंच तारामंडल के वेब तैयारी का जायजा लिया और सभी एक पहलू पर विचार विमर्श भी किए। हालांकि तारामंडल निरीक्षण करने पहुंची टीम मीडिया से कुछ बातें शेयर तो नहीं की, लेकिन तारामंडल बनाने में लगे प्रोजेक्ट मैनेजर सर सिविल इंजीनियर अब्दुल बारी ने इसकी पुष्टि की। अब्दुल बारी ने बताया कि तारामंडल का निर्माण प्रथम फेज में तकरीबन 88 करोड़ की लागत से किया गया है। इस तारामंडल में साइंस के छात्रों को खूब फायदा मिलेगा। यहां छात्र एक छत के नीचे ग्रह उपग्रह के साथ चांद तारों के अलावा अंतरिक्ष और खगोलीय घटना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। तारामंडल के अलावा वहाँ ऑडिटोरियम के साथ साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ ग्रीन गार्डन और लाइटिंग भी लगाई गई है, जिसकी खूबसूरती भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने बताया कि नए साल के जनवरी माह में 12 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद दरभंगा पहुंचे इसका उद्घाटन करेंगे। कला संस्कृति व विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय तरंग मेगा स्पोर्ट्स उत्सव 2022-23 3 जनवरी से लेकर 4 जनवरी 2023 तक 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा मंगलवार को स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में, वहीं इस खेल प्रतियोगिता के तहत लॉन्ग जंप से लेकर दौड़ प्रतियोगिता सहित अन्य कई प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस प्रतियोगिता में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सैकड़ों प्रतिभागी ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की। वहीं इस प्रतियोगिता कार्यक्रम में दरभंगा जिला के 18 प्रखंड से आए हुए प्रतिभागी 12 वर्ष से 14 वर्ष एवं 17 वर्ष आयु के प्रतिभागी ने हिस्सा लिया और तरंग खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम के तहत 4 जनवरी 2023 को कबड्डी, खो खो, फुटबॉल प्रतियोगिता आदि का आयोजन होगा। मैदान के कोने पर आरंभ होना है खेल को। तरंग प्रायोजन किया गया है, विभिन्न प्रखंडों के बच्चे आए, उसमें उन्होंने भाग लिया है
और इस प्रकार की प्रतियोगिता के आयोजन से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे सही दिशा मिलती है और जो खेल की प्रतिभा है वो भी निखर करके सामने आती है और यहाँ की जो प्रतिभा होगी दरभंगा जिले की वो फिर यहाँ के बाद राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन करेगी, तो ये एक अच्छी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार की ओर से दरभंगा जिला प्रशासन के सौजन्य से उनके द्वारा यह तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव की प्रतियोगिता 2022-23 आयोजित है और इसमें दरभंगा जिले के 18 प्रखंड के प्रतिभागी 12 वर्ष 14 वर्ष और 17 वर्ष के आयु वर्ग के इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज एथलेटिक्स की प्रतियोगिता है, कल यहाँ टीम इवेंट्स कबड्डी खो खो और फुटबॉल की प्रतियोगिता आयोजित होगी जो केवल 17 वर्ष के बच्चों के बीच में आयोजित है। ये करवाया जा रहा है, आज जो भी विधा है वो एकल विधा है। एकल विधा में 3 एज ग्रुप में बांटे गए हैं बच्चों को, अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 17। अंडर 12 में 60 मीटर का रनिंग है, 300 मीटर का रनिंग है, लॉन्ग जंप है और बॉल थ्रो है। ये 4 विधा है जिसमें बालक और बालिका दोनों वर्ग में प्रथम द्वितीय और तृतीय का चयन करना है। इसमें कुल 18 ब्लॉक से बच्चे हमारे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उपस्थित हैं। रंग मेधा उत्सव हमारे विद्यालय स्तर से होते हुए प्रखंड स्तर से होते हुए आज जिला स्तर पर संपन्न हो रहा है। यह बच्चों के प्रतिभा के निखार के लिए एक आयोजन है। हमारे ग्रामीण बच्चे जो हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वो उनको एक मंच मिले और वो अच्छे खेलों का अच्छे ढंग से प्रदर्शन कर सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर राजकुमारगंज नियर पुअर होम अपोजिट वैदिक भवन इज हियर टू गिव विंग्स टू योर वर्ड्स एंड देयर ड्रीम्स टू मेक देम एंजॉय द एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग एसी रूम्स, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स एंड वीआईपी रूम्स विद फुल्ली एसी क्लास लग्जरी सेटिंग फॉर प्ले क्लासेस। हियर वी ऑफर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन देयर career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all rounder. Admission for 2023-24 session is open. Global Healthcare and Diabetes Research Center, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बिहार के लाल एवं विकास पुरुष ललित नारायण मिश्र के बताए रास्ते पर चलकर हम सबकी तरक्की के लिए कार्य करें, यह संदेश हमें विश्वविद्यालय परिसर स्थित उनकी मूर्ति अनवरत रूप से देती रहती है। हम जो भी काम करें वह समाज तथा राष्ट्र के हित में होना चाहिए, ऐसी धारणा हमें सदा चेतना प्रदान करती है। ललित बाबू ने समाज में बहुत सारी उपलब्धियां दी, आज हम उनके आगे नतमस्तक होकर उनके कार्य को याद करें, उनके बताए रास्ते पर चले और उनसे प्रेरणा लेकर सबकी तरक्की के लिए कार्य करें। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने ललित नारायण मिश्र के पुण्यतिथि पर विश्वविद्यालय परिसर स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कही। कुलपति ने कहा कि हम सब विश्वविद्यालय की तरक्की के लिए दान के लिए दिन रात सोचे और कार्य करें, यही ललित बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि विश्वविद्यालय निरंतर अपने गौरव को प्राप्त करता रहेगा, क्योंकि यह ललित बाबू जैसे महापुरुष के नाम से जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय का जितना विकास होगा उतना ही ललित बाबू का भी नाम लिया जाएगा।
प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के सशक्त एवं समर्पित राजनेता ललित नारायण मिश्र की दूरदर्शिता एवं विकास का मॉडल बहुत ही सफल रहा। वे बिहार के विकास के लिए सदा तत्पर समर्पित रहे। उन्होंने रेलवे की 36 योजनाओं के साथ ही लखनऊ से फारबिसगंज तक की सड़क आदि योजनाओं को पास करवाया। खासकर उन्होंने अपनी मातृभूमि मिथिला तथा मातृभाषा मैथिली के लिए काफी काम किया। उनकी पहल से ही मैथिली साहित्य एकेडमी की भारतीय भाषा सूची में शामिल हुई, जिसका लाभ यहाँ के छात्रों को आज भी मिल रहा है। मैथिली संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भी एक ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल है। प्रति कुलपति ने कहा कि बिहार के विकास में अपने योगदान के लिए ललित बाबू सदा याद किए जाएंगे। अधिकारियों को याद रखें, उनके बताए गए रास्ते पर अनुसरण करें, उस पर चलें। एक जो भाव पैदा होता है हम सब में उसके नाते, वो सबके साथ जुड़ाव का भाव पैदा होता है और तरक्की के लिए उपादान बनता है। उससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज इस पुण्यतिथि पर एक बार पुनः हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने गौरव को निरंतर पाता जाए, क्योंकि ऐसे महापुरुष के नाम से जुड़ा है। जितना विकास ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का होगा, उतनी बार उतनी जगह पर ललित बाबू याद किए जाएंगे, हम सब याद करेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय के नाम से पहले उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक प्रेरणा हमें देता है कि विश्वविद्यालय जिस स्तर पर हम काम करते हैं, जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसकी तरक्की के लिए दिन रात हम सोचते हैं। ये सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा प्रयास होगा हम सबका ललित बाबू के प्रति। एक बार सुना उनको हम श्रद्धा समर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि। उनको पटना मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया और 3 जनवरी को ऐसे महान नेता को हम खो दिए। आज अगर ललित बाबू होते तो मिथिलांचल का विकास और तेजी से होता, ये बहुत ही दुख की बात है। हम सभी उनको याद करते हैं, नमन करते हैं और श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षक राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले एवं फातिमा शेख की जयंती समारोह का आयोजन किया गया नागरिक समाज दरभंगा की ओर से मंगलवार को धरना स्थल मैदान लहरिया सराय में। वहीं इस मौके पर दरभंगा एम्स का निर्माण, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में नकर मौजे बलिया अंचल बहादुरपुर जिला दरभंगा में NH-57 के बगल में उपलब्ध सरकारी गैर मजरुआ आम जमीन में एम्स का कराने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना भी दिया गया। आज DMCH बनाओ बचाओ एम्स बनाओ अभियान समिति नागरिक समाज की ओर से हम लोग सावित्री बाई फूले और शेख फातिमा की जयंती मना रहे हैं और इन दोनों ही महापुरुषों से हम लोग प्रेरणा लेकर के दरभंगा में DMCH का अस्तित्व तो बरकरार रहे, DMCH को और सुदृढ़ बनाया जाए, ये हमारा संघर्ष को हम लोग संकल्पित और समर्पित हो रहे हैं 2023 के लिए कि हम DMCH के अस्तित्व को मजबूत बनाने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे और एम्स भी दरभंगा में बने। हमने लोगों ने अभियान समिति ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री विधायकों को ज्ञापन दे करके नागरिक समाज ने ये कहा है, जो बात नागरिक समाज ने उठाया आज वह बात सच साबित हो रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी का बयान अखबार में छपा कि अगर एम्स DMCH कैंपस में बनता है तो DMCH का अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। एजेंसी ने यहां तक भी कहा है कि हम नहीं चाहते थे यहां पर एम्स बनाना, कुछ नेताओं के दबाव में हम लोगों ने फैसला लिया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि नागरिक समाज का जो ये आवाज़ है वह आवाज़ आगे बढ़ रहा है और भेड़िया गुर्राता है तो मशाल जलाओ, यह जो बात है आज दरभंगा में नागरिकों की आवाज़ से सत्ता सरकार DMCH को बचाने के पक्ष में गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। राष्ट्रमाता सावित्री बाई फूले
और फातिमा शेख की जयंती मनाने का कार्यक्रम है। हम दरभंगा के अभियान समिति डीएमसीएच बचाओ में एम्स बनाओ नागरिक समाज दरभंगा की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज हम लोग ये 193वीं जयंती राष्ट्रमाता फातिमा शेख का है उनको हम लोग मना रहे हैं और इसी अवसर पर आज ये पोलो मैदान दरभंगा में जो नागरिक समाज के जितने भी जो वहाँ के जिला के नेता हैं यहाँ के वो सक्रिय साथी हैं वो सब लोग मिलकर के ये समारोह का मनाना है। साथ ही हम लोगों को कहना है कि जो हम लोगों का मूल मुद्दा है कि जो डीएमसीएच है उसको बचे किस तरह से, ये मूल लड़ाई हम लोगों का ये है और एम्स भी बनाना है दरभंगा में। जो सरकार एम्स के लिए कही है कि हम बनाएंगे वो दरभंगा के धरती पर बनावे और उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है ये मौजे बलिया जो शोभन के पास हाईवे के नज़दीक में है। 250 एकड़ का एक प्लॉट है और दूसरा 65 एकड़ का और दूसरा प्लॉट भी है जो दोनों मिला के गोचर भूमि 325 एकड़ का है। हम ये मांग करते हैं सरकार से भी कि भाई ये सरकार इसको डीएमसीएच को छोड़ तोड़ फोड़ न करे और एक ठोस निर्णय ले सरकार।